वर्धा जिले के आरवी तालुका के ग्राम पानवाड़ी निवासी ये है स्वप्निल युवराज सिंगरोल। इनके पास 5 एकड़ जमीन है। पहले वे रासायनिक खेती करते थे। जमीन थोड़ी हल्की थी, इसीलिए हर साल कपास, सोयाबीन और तुअर की फसल लेते थे। प्रति एकड़ 20,000 तक खर्चा आता था, लेकिन उत्पादन प्रति एकड़ 25,000 ही होता था, जिससे केवल 5,000 ही शेष बचते थे। जो उत्पादन होता था उसमें भी शाश्वतता नहीं थी। बदलते वातावरण में फसल में बीमारी, इल्लियों का प्रकोप होने से कभी कभी पूरी फसल नष्ट हो जाती थी। दिनों दिन खर्चा बढ़ता जा रहा था। वे परेशान हो रहे थे। उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। पर एक दिन कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन के टीम आरवी की मीटिंग उन्हीं के गांव में हो रही थी। उन्होंने मीटिंग में आकर सारी जानकारी ली। बिना लागत की खेती यानी विष मुक्त खेती, फलबाग आधारित खेती, फसल में बदलाव, पद्मश्री सुभाष जी पालेकर की नैसर्गिक खेती, ये सारी जानकारी उन्होंने विस्तार से समझ ली। उन्होंने तभी निश्चय किया कि कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन के सहयोग से वे वाड़ी लगाकर पद्मश्री सुभाष जी पालेकर की नैसर्गिक खेती तंत्र से आगे से अपनी खेती करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम स्वप्निल युवराज सिंगरोल। 1 एकड़ में मैंने बजाज फाउंडेशन की तरफ से आम का बगीचा, आंवले का बगीचा और नींबू के पेड़ लगाए। इसमें से मेरे पास अभी 100 आम के झाड़े, 25 पपी के झाड़े, 25 नींबू के झाड़े और 50 आंवला के झाड़े। मैं ये खेती नैसर्गिक तरीके से, कुदरती तरीके से करता हूँ। जो सुभाष पालेकर साहब है, उनको तरीका अपनाया हुआ है, उसके वजह से मुझे ये खेती में खर्चा कुछ भी नहीं आता है। और मैंने देसी गाय पाली हुई है, उस वजह से मुझे उसका गोबर गोमूत्र मिल जाता है। उसका जैविक तरीके से उपयोग करता हूँ, नैसर्गिक तरीके से उपयोग करता हूँ, जीवामृत बनाता हूँ और वो पेड़ों को देता हूँ। उस वजह से ये आम का जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है और मुझे खर्चा भी 0 बजट का है, बहुत कम खर्चा आता है। और देखते ही देखते उनका कर्जा उतर कर अब उन्हें मुनाफा होने लगा है, और वो भी लाखों में। मानो उनका तो सारा जीवन ही बदल गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आम के झाड़े, पिछले साल का आम का उत्पादन एक झाड़ पे 40 से 50 किलो हुआ, तो वो हिसाब से देखा जाए तो 12 से 14 क्विंटल मुझे आम का टोटल उत्पादन हुआ और रेट भी अच्छा मिला। मुझे 100 रुपये किलो का हिसाब का आम का भाव मिला। उस वजह से मैंने 1 एकड़ में आम के झाड़ में सिर्फ 1,40,000 रुपये का उत्पादन लिया। मेरे आम के बगीचे के अंदर मैंने आंतर पिक लिया हुआ है, जिसमें मैंने कपास लगाई हुई है और साथ में पपीते के पेड़ भी है और मुझे उसका भी उत्पादन होता है। और कपास की फसल ये मेरा आंतर पिक होने की वजह से आम के अलावा अदर सीजन में मुझे अच्छे पैसे में कपास भी हो जाती है और पपीता भी हो जाता है। मुझे जो इस खेत में, इस वाड़ी में 1,50,000 का जो उत्पादन हुआ, उसके 2 कारण है। एक तो मैंने कुदरती तरीके से खेती की, इसका व्यवस्थापन कुदरती तरीके से किया, इस वजह से मुझे इसका खर्चा बहुत कम आया। और दूसरा प्रॉफिट ये है, दूसरी वजह यह है कि मैंने वो आम खुद बेचा, उस वजह से मुझे दलाल को किसी को कमीशन देना नहीं पड़ा और मुझे अच्छे पैसे मिले। और जैसे जैसे त्यौहार आते गए, वैसे वैसे आम के रेट भी बढ़ते गए, उस वजह से मुझे भाव बहुत अच्छा मिला। मेरे पास 1 एकड़ में 4 तरह के फल होने की वजह से थोड़े थोड़े दिनों बाद हर समय कभी आम के पैसे, कभी पपी के पैसे, कभी नींबू के पैसे, कभी आंवले के पैसे, ऐसे साल भर 4 स्टेप में मुझे पैसे मिलते रहते हैं और मेरा काम भी अच्छी तरीके से होता है। उन्होंने सबसे पहले 1 एकड़ वाड़ी लगाकर कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन के सहयोग से क्रॉप में बदलाव किया। वाड़ी में आंतर फसल के रूप में सब्जी भाजी लगाने का निश्चय किया। उसमें घर के ही लिए सब्जी लगाई, खाद दवाइयों के लिए घन जीवामृत, जीवामृत दशपर्णी, अग्नि अस्त्र, छाछ, इन सब का उपयोग करके लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। उनका खर्चा बहुत ही कम होने लगा। 1 एकड़ में आंतर फसल गेहूं, चारा, सब्जी, मूंगफली कुल मिलाकर 30,000 होते हैं और आंवला, आम, नींबू, इन सब के मिलाकर कम से कम 1.5 लाख रुपए होते हैं। वे खुद ग्राहक को बेचते हैं, वो भी अपने ही घर से। जैविक तरीके से, जीवामृत तरीके से या फिर नैसर्गिक तरीके से बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और इस वजह से
अपन को अपनी जमीन को रसायन से बनने से मुक्त करा सकते हैं। देसी गाय के गोबर का और गोमूत्र का यदि किसान भाई सही तरीके से उपयोग करे तो वह किसान पूरी तरीके से कर्ज मुक्त हो सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी पूरी जमीन पहाड़ी है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जमीन में इस अच्छी तरह का फल बाग तैयार होगा। और मेरे पास इसमें दो प्रजाति के आम हैं, पहला तो दशहरी और दूसरा केसरी। लेकिन कुदरती तरीके से ये इतने अच्छे पेड़ आए इसका मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसका व्यवस्थापन किया और मुझे इसमें बहुत अच्छा लाभ हुआ। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ कुदरती खेती करने में है। अगर मैं रासायनिक खेती करता तो इसका मुझे खर्चा भी बहुत आता और मेरी जो फसल है वो ठीक तरीके से नहीं होती। अभी जो फसल आती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है और अच्छी क्वालिटी होने की वजह से इसका दाम भी बहुत अच्छे से मिल जाता है और फसल बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो आइए हम सब भी प्राकृतिक खेती को अपनाएं और स्वस्थ जीवन जिए। प्रस्तुतकर्ता कमलनयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन वर्धा। धन्यवाद।